देखिए हमारी नोट काउंटिंग मशीन है जो कि बहुत हैंडी है साइज़ के अंदर। इसके साथ में आपको एक मॉनिटर मिलता है, डिस्प्ले मॉनिटर मिलता है जिसको आप अलग से लगा सकते हैं अपने काउंटर के बाहर विजिटर विजिबिलिटी के लिए। और आपको इसके ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्प्ले यूनिट मिलती है जहाँ पर आपको पूरा डिस्प्ले आएगा, बैच डिस्प्ले आएगा। आप बैच क्रिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग बैचेस के अंदर कर रहे हैं तो आप अपने बैचेस बना सकते हैं नोटों के। तो सारा फीचर है, बेसिक मशीन है। ऊपर से आप इसके अंदर नोट निकालेंगे और यहाँ नीचे से वो काउंट होकर निकल के आते रहेंगे। देरी अगली वीडियो के अंदर आपको सही डिटेल मिलेगी। ये इसके अंदर एक हैंडल दिया हुआ है जिससे आप इसे आराम से उठा सकते हैं, उठा के कैरी कर सकते हैं। अब हम इसकी बैक में अगर आते हैं तो यहाँ इसकी बैक में तीन ऑप्शन दे रखे हैं। एक यहाँ पर ये पावर का बटन दे रखा है, इसके अलावा ये पावर कनेक्शन लगाने के लिए ये सॉकेट दे रखा है, प्लस ये डिस्प्ले ये एक सॉकेट और दे रखा है जो कि आपका मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए है। ये मॉनिटर का बेसिक डिस्प्ले आपको सिंपली इसमें कनेक्ट करना है, उससे जो भी आपकी मशीन में डिस्प्ले आ रहा है वो डिस्प्ले उस मॉनिटर पर भी आना शुरू हो जाएगा। ये इस मशीन की प्रॉपर डायमेंशन है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पीछे ये एक लैपटॉप लगा हुआ है, उस लैपटॉप के साथ ही आराम से कंपेयर करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इसमें कितनी स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, ये बेसिक प्रोडक्ट की डिटेल है। इसके लिए आपको कोई भी जानकारी और